नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फरीदाबाद में पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने 17 सूत्रीय मांगों के साथ हुंकार भरते हुए एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। जी हां, और आपको बता दें कि इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार भड़ाना ने अपनी 17 सूत्रीय मांगों को मीडिया के सामने रखा, जिसका रिबन उन्होंने फरीदाबाद के सीनियर पत्रकार महेंद्र ढुल से कटवाया और दीप प्रज्वलन करवाया। जी हां, और आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने पत्रकार वार्ता के दौरान अपनी 17 सूत्रीय मांगे गिनवाते हुए कहा कि उनकी संघर्ष समिति की ये 17 सूत्रीय मांगे हैं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जो भी पार्टी उनकी 17 सूत्रीय मांगों को मानेगी, उस पार्टी को उनकी संघर्ष समिति का समर्थन मिलेगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि वह हरियाणा में घर घर जाकर अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर जाएंगे और सभी को अपनी मांगों से अवगत कराएंगे। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आदमपुर सीट बिश्नोई परिवार की सीट है, उनकी जीत वही होनी थी। वहीं उन्होंने इस सीट को लेकर हुड्डा के जोर लगाने के सवाल पर कहा कि उस सीट के लिए स्वर्गीय भजन लाल जी ने आदमपुर के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। इस सीट पर हुड्डा के जोर लगाने से वहां कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे को आगे करना चाहते थे, इसीलिए इस सीट से कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया था। वहीं करतार भड़ाना ने आगे कहा कि 2024 में उसी की जीत होगी जो उनकी 17 सूत्रीय मांगों को मानेगा, उसी की सरकार बनेगी। कार्यक्रम जो है वो दूर जुड़ कर उसकी रैली हुई, जो भाई उस टाइम मौजूद थे उन्हें पता होगी, 9000 टैंकर हरियाणा के पंच सरपंचों के आए थे और आए तो फिर भी ये थोड़ी सी सफेद है, बिल्कुल चेक की पुरस्कार में एक पोस्टर मैंने हरियाणा में भेज दिया था और उसी के नौते में ना 5 लाख लोग आए थे और जितने भी मुख्यमंत्री बनने वाले थे या जो बड़े हुए थे सबके फोन आ रहे थे, भाई ये स्टेज में जो है संघर्ष समिति के हमें बुला लो, वो कह रहा था हमें बुला लो, तीसरा कह रहा था हमें बुला लो, सबके फोन मेरे पास आ रहे थे, लेकिन मेरा छोटा भाई उस टाइम कांग्रेस में और वो छोटा भाई आके एमपी होता था फरीदाबाद का, उसने आगे मुझे कहा भाई अगर मुझे अभी मिनिस्ट्री मिलने वाली है हरियाणा का, कुछ काम कर दूंगा, अगर कुछ मंत्री बन जाऊंगा तो तू जो है ना किसी और नेता को मत बुला, कांग्रेस के नेता को ही बुला ले। मैंने बहुत देर तक सोचा, परमात्मा के सामने खड़ा होकर सोचा और ये सोचा कि ये रैली ये समिति तो फिर भी कभी मिल जाएगी, अगर आज मैंने अवतार सिंह का कहना नहीं माना तो जीवन में मेरे पे कलंक लग जाएगा कि एक भाई ने एक भाई को मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया, मतलब सेंटर का मंत्री बनने से रोक दिया। तो मैंने वो इस चिट्ठी में लिख दिया है कि मेरे संस्कारों का कर्ज सामने आ गया था, यह समझो कि वो वक्त नहीं था और वो वक्त अब आ गया है और आपकी मदद के लिए तो वो दिन फिर आपको देख रहा है कि पूरा हरियाणा यहां खड़ा होगा और वो खड़े होंगे जो करतार को जानते हैं, जो करतार के ईमान को पहचानते हैं कि जो कहता है मर तो जाए पर उससे पीछे नहीं हटता। तो इसलिए आपकी मदद की मंत्री जी, भव्य बिश्नोई की आदमपुर में भव्य जीत हुई है, क्या समीकरण देते हैं राजनीति, क्या होगा? देखिए, भजन लाल जी का वो क्षेत्र रहा है, उनकी राजनीति का क्षेत्र है, वहाँ उन लोगों पे काम किए हैं, उनका वो एरिया है, तो वहाँ पे उनका जीत होनी चाहिए थी, ये कोई नई बात नहीं है कि वहाँ से वो जीतते ही आए। लेकिन ये लड़ाई जो मानी जा रही थी, ये भजन लाल परिवार और हुड्डा के बीच में मानी जा रही थी। देखिए, अपनी अपनी जगह है, हुड्डा अपनी जगह पे बात करे तो अच्छा लगता है, अब वो जगह है वहाँ पे कितना ही जोर लगा ले, जो उनका एक घर है, जो उनकी परंपरा सीट है, जो जिसके लिए उनने हरियाणा के लिए जो भी किया वहाँ पे किया है, उस सीट के लिए लोगों को लगाया, तो वहाँ तो वो जीतने ही चाहिए थे, क्योंकि
देखिए कोई इससे कमजोर नहीं होता, कहीं पे कोई समीकरण होता है। हुड्डा अपनी जगह पे मजबूत है, ये अपनी जगह पे मजबूत है। हुड्डा एक पार्टी का अध्यक्ष है, ये अभी अध्यक्ष तो है नहीं, ये कोई अध्यक्ष तो है नहीं पार्टी के, ये तो भाई उनका बेटा है, खुद इस्तीफा दे के लड़ रहे हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है। वो अभी आगे बेटा को करना चाहते हैं। 2024 में किस तरह का परिणाम देख रहे हैं, क्योंकि इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है 2024। देखिए 24 में मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ, जो ये 17 सूत्री लागू करेगा वो बनेगा। पूरी तो तभी होंगी जब सरकार करना चाहेगी। अभी तो हमने सरकार से मांगा है और हमें उम्मीद है कि कोई भी मुख्यमंत्री और कोई भी प्रधानमंत्री अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, और हम ये एक ऐसा रास्ता लेके आए हैं जिससे राम राज आएगा, तो करना चाहेंगे और हम बताएंगे। जब वो हमसे पूछेंगे कि ये कैसे करना है, हम करना चाहते हैं पर इसके लिए जरिया कहाँ से आएगा, वो हम बताएंगे कि भाई इसको ऐसे कर लीजिए। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि डीजल है हमारे यहाँ पे 5 रुपया अगर कम हो जाएगा तो अभी 20 करोड़ लीटर बिकता है, और जब 5 रुपये कम मिलेगा दूसरे स्टेट से तो वो 80 करोड़ लीटर बिकेगा, टर्नओवर बढ़ेगी, टर्नओवर जो हमारा प्रॉफिट है उसकी टर्नओवर बढ़ जाएगी, हमारा घाटा बराबर होगा। सर सामने कैमरों की तरफ देखिए। अच्छा नहीं, मुख्य जो 17 सूत्रीय मांगों में जो मुख्य 4-5 मांगे हैं, सबसे मुख्य तो ये है कि हर परिवार को, हरियाणा का जो निवासी है उसको 1 लाख रुपए तो उस कंडीशन पे, बिजली पे, पानी पे, हॉस्पिटल पे, स्कूल पे, जो मेरी डिमांड है उनके साथ 1 लाख रुपया चाहिए, और अगर उन डिमांडों में कोई दिक्कत आती है, कोई बात होती है, तो फिर मुझे 1.25 लाख चाहिए रोजगार के लिए। वो 1.25 लाख का रोजगार एक परिवार को दे, और जो हमारी तनख्वाह है, जो एक आदमी की जरूरत है, कोई भी मजदूर की मजदूरी 35,000 रुपए से कम नहीं, चाहे वो फैक्ट्री में करता है, किसी भी लेवल किसी में हो, ज्यादा चाहे कितनी हो, फिर उस स्थिति में अगर उसको कुछ और नहीं मिलता है रेवड़ी, तो फिर उसको 35,000 रुपए में कम से कम मिलनी चाहिए, ये मांग है। बिजली का भी, लेकिन लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? देखो बिजली का, वो तो उसमें 17 लिखे हुए हैं सारे, आप देख लें। लेकिन बिजली और ये कई बार जो है, केजरीवाल जी कहते हैं ये रेवड़ी है, दूसरे कहते हैं ये रेवड़ी है, मैंने सोचा कि ये रेवड़ी में ना बट जाए तो मैं अपनी डिमांड साथ में रख देता हूं, अगर ये रेवड़ी है इनमें कोई भी तो उसकी बजाय हमें तो सीधी आप रोजगार दे। बिजली की आपने बात लिखी है कि ईमानदारी से ये मिलनी चाहिए, और अगर 300 यूनिट से 2 यूनिट भी ऊपर होता है तो वो रद्द हो जाती है फैसिलिटी, बिल्कुल रद्द। तो आपने कहा है कि वहाँ का ऐसा है सिस्टम कि 20,000 लीटर उन्होंने पानी का कहा, 300 यूनिट बिजली का कहा, वो बिल कभी जब इलेक्शन का दौर होता है उस टाइम में वो बिल नहीं देते, उस टाइम बिल नहीं आते, और जैसे ही इलेक्शन निकल जाता है फिर वो 300 से ऊपर का ही बिल आता है, नीचे का कोई आता ही नहीं। 20,000 पानी का लीटर का जो फ्री तक है वो फ्री का बिल ही नहीं आता, 21,000 का आता है, इसलिए हमने लिखा है कि 300 तो फ्री सबको देनी होगी, चाहे कोई 500 जलाए, कोई 1,000 जलाए, वो 300 से ऊपर के पैसे देगा। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि युवाओं से कि भाई आप रेडियो के चक्कर